खरीदारी के साथ हुई दीपावली की शुरुआत। पुष्य नक्षत्र में जमकर हुई खरीदारी। बाजार में खरीदारी करने निकले लोग। शुभ मुहूर्त में दिखा खरीदारी का उत्साह। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत हुई। इस मौके पर बाजार में त्योहार का उत्साह भी जबरदस्त दिखाई दिया। दीपावली के मुहूर्त की खरीदारी के समय बाजार में इस त्योहार की रौनक देखने को मिली। पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में इंदौर में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। दीपावली के मौके पर लोगों ने इंदौर के सराफा बाजार में खरीदारी की। इसके अलावा बर्तन बाजार, खजूरी बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और गाड़ियों के शोरूम पर भी लोगों की भीड़ नजर आई। पुष्य नक्षत्र में सुबह के समय बाजार में ग्राहकों की संख्या कम रही, लेकिन दिन के बढ़ने के साथ साथ लोगों का उत्साह भी बढ़ने लगा। मौके पर इंदौर के सराफा बाजार में भी लोग आभूषण खरीदने पहुंचे। लोगों ने इस मुहूर्त में खरीदारी को बेहद ही शुभ बताया। अच्छा लग रहा है, ठीक है वैसे माहौल तो, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ धरती चीजें, डेकोरेशन की है, कुछ ज्वेलरी है, सोना चांदी हुआ, गिफ्ट वाले आइटम है, पूजा का सामान वगैरह, बस ये थोड़ा बहुत। अच्छा लगा, मार्केट अच्छा है, वैरायटी भी सब दूर अच्छी मिल रही है देखने को। इस मौके पर सराफा व्यापारियों ने भी बाजार में ग्राहकों के लिए तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा कि बाजार में इस बार कई तरह के वैरायटी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इस मौके पर भी व्यापारियों ने बाजार में ग्राहकों के लिए तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि बाजार में इस बार भी कई तरह की वैरायटियां उपलब्ध हैं, जिसे ग्राहकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की खरीदारी पर पैन कार्ड का प्रावधान हटाने से भी ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। पुष्य नक्षत्र का जो पिछले 5-6 वर्षों से हम देखें तो इंदौर शहर में अच्छा खासा महत्व बढ़ता जा रहा है। पहले क्या धनतेरस का महत्व था, पर अब जो देख रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र का अच्छा महत्व है। आज सुबह 6 से 10 का मुहूर्त था, जिसमें व्यापारी वर्ग ने लेखा वही का ऑर्डर भी दिया, खरीदे भी। जो मायूसी पहले छाई हुई थी वो मायूसी सराफे बाजार में ख़त्म हो चुकी है। सराफे बाजार के व्यापारियों में अच्छा खासी रौनक है और उत्साह। आज सोने के भाव करीब 29,000 के आसपास है, और ज्वेलरी के रूप में हम देखें तो लाइट वेट ज्वेलरी के भी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जो हर फंक्शन में, हर पार्टी वेयर यूज में उपयोग किया जा सकता है। वहीं दीपावली के शुभ मुहूर्त में गाड़ियों की खरीदारी भी जमकर हुई। इंदौर में सभी वाहन शोरूम पर दिन भर ग्राहकों का जमावड़ा देखने को मिला। वाहनों पर मिलने वाली छूट के चलते भी लोगों ने पुष्य नक्षत्र में वाहन की खरीदारी की। पुष्य नक्षत्र में होंडा की गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त जोश है लोगों में, और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हम लोगों को, और धनतेरस के लिए भी हम लोगों से काफ़ी उम्मीद है।
और काफी बुकिंग हो रही है। इधर इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकों की संख्या कम रही। व्यापारियों ने बाजार में ग्राहकों की मंदी का कारण ऑनलाइन की जाने वाली खरीदारी को बताया। व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि धनतेरस तक बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बहुत मार्केट डाउन है इस बार, और मार्केट में अभी तक ऐसा रौनक नहीं लगी कि जैसे दिवाली है। जैसे दिवाली में बहुत अच्छी रौनक होती है मार्केट में, खरीदारी अच्छी होती है। आज पुष्प नक्षत्र है लेकिन लग नहीं रहा कि पुष्प अभी थोड़ा चालू हुआ है मार्केट, धीरे धीरे शाम तक अच्छा मार्केट चल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल रहा है। दीपावली को लेकर किस तरह का उत्साह हर बार आप देखते हैं, इस बार क्या उत्साह दिखाई दे रहा है? इस बार भी देखो अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है, अभी आज पुष्प नक्षत्र अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुल मिलाकर दीपावली की शुरुआत के साथ ही बाजार में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुष्य नक्षत्र में स्थायी लक्ष्मी की कामना के साथ लोगों ने खरीदारी की। इस मौके पर पूरा बाजार दीपावली के रंग में रंगा नजर आया। दीपावली का त्योहार शुरू हो चुका है और पुष्य नक्षत्र में खरीदारी के लिए लोग बाजार में निकल चुके हैं। ऐसे में बाजार में भी उत्साह बना हुआ है, लोग अपने घरों से बाजार में पहुंच रहे हैं। चाहे बात करें बर्तन बाजार की, सराफा बाजार की, या घर की छोटी बड़ी वस्तुओं की, तो आज शुभ मुहूर्त में खरीदारी का जो उत्साह है लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और लोगों की यही इच्छा है कि जिस तरह अच्छे शुभ संयोग में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से घर में विद्यमान हो, उसी तरह से सोने चांदी और अन्य सभी तरह की चीज़ें वे खरीदें और ये चीज़ें उनके जीवन में खुशहाली का प्रतीक बने। अपने सहयोगी संजय चौधरी के साथ मैं राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर।